हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आई स्पीसीज पाठशाला। हमारा जो लास्ट वीडियो था आर्थिकी का था 2018 का, उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम आगे के लिए नया वीडियो लेकर आए हैं। और जो आपके वीडियो एग्ज़ाम के लिए भी और जो बिहार पीसीएस होने वाला है उसके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। जितना भी इकोनॉमिक्स रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें आपका, मतलब आर्थिकी एंड सामाजिक जितने भी विकास है इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला है, वर्तमान में भारत के राज्यों में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम कहाँ पे है? तो वो ध्यान रखिएगा बिहार पे। जो बिहार के बिहार पीसीएस का जो ये एग्ज़ाम होगा अभी आपका, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हो सकता है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये बिहार के है, ठीक है। तो पूरे वर्तमान की बात करें, करंट अफेयर्स में वर्तमान में भारत के राज्यों में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम कहाँ है, वो है हमारी बिहार की है। इसके बाद में आते हैं, वर्तमान में भारतीय राज्यों में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक कहाँ की, वो है गोवा की, ध्यान रखिएगा वो है गोवा की, ठीक है। फिर से बोल रही हूँ, अगर वर्तमान के समय की बात करते हैं भारत में के राज्यों में प्रति व्यक्ति सबसे कम आय की बात करें तो वो है बिहार की, और औसत प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय कहाँ की है, वो है गोवा की, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद में वर्तमान में कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात तथा हरियाणा में से औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक कहाँ की है, वो है हरियाणा की। अगर जिसने यूपीपीसीएस 2017 का एग्ज़ाम दिया होगा उसमें एक हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन, सेम ऐसे क्वेश्चन आया था कि उसका लिंगा अनुपात जो है वो कम है और जो, लेकिन वहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें बहुत लोगों ने गलत आंसर भी मार्क किया था बाद में, जब वो आयोग की आंसर किया थी उससे पता चला था। तो ये देखिए, इसीलिए कहते हैं जो सेक्शन में, ये जो वीडियो में सीरीज चला रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर हम कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात और हरियाणा में से इन सब की बात करें तो इसकी औसत प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा कहाँ है, वो है हरियाणा की, ठीक है। इसलिए हरियाणा को हल्के में लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक कथन और कारण है, कथन और कारण की अगर बात करें, यद्यपि 1947 के बाद की अवधि में भारत की राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ी, यहाँ पे बात हो रही 1947 के बाद की, ध्यान रखिएगा, भारत की राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ गई है परंतु प्रति व्यक्ति आय स्तर में कोई सुदृष्ट सुधार नहीं हुआ है। बिल्कुल सही बात है, मतलब ये कहना जा रहा है कि अगर हम पूरे राष्ट्रीय आय की बात करें तो वो तो बढ़ी है, लेकिन अगर प्रति व्यक्ति स्तर की बात करें तो वो कोई सुधार नहीं हुआ है बहुत खास। तो इन्होंने इसका रीज़न दिया है, भारत की जनता का काफ़ी बड़ा भाग अब भी गरीबी रेखा के नीचे रह रहा है, ठीक है। तो अगर ये इसमें देखा जाए, कारण जो है वो इन्होंने बोला है कि ए जो है वो गलत है और आर जो है वो सही है, बिल्कुल सही बात है। ये बात फैक्ट है कि अभी भी बहुत बड़ा भाग जो है वो भारत का गरीबी रेखा नीचे रह रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे ये जो 1947 के बाद की बात कर रहे हैं उसमें प्रति व्यक्ति आय का जो स्तर है बिल्कुल सुधरा है। अगर हम तब की तुलना और अब की प्रति व्यक्ति आय में आप नज़र डालें तो बिल्कुल इंक्रीमेंट हुआ है, तो इसलिए ए जो है वो गलत है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद है, भारत में ग्रामीण आय प्राय आय से कम है, नगरी आय से कम है। बिल्कुल सही बात है, जो गांव के लोगों की जो आय है वो नगरी लोगों के आय से बिल्कुल कम है, बिल्कुल सही बात। इसके लिए कारण क्या जिम्मेदार है वो ध्यान रखिएगा। अब इस तरह के क्वेश्चंस जो है बिल्कुल बनते हैं, आपको दे दिया कि ग्रामीण जो आय है वो नगरी आय से कम है, क्यों कम है उसके 3-4 ऑप्शन दे दिए, उसमें आपको टिक मारना है। तो क्यों कम है इसके लिए हम बात करते हैं। देखिए पहला क्या है, किसानों की निर्क्षरता, ठीक है, बिल्कुल वो पढ़े लिखे कम होते हैं, थोड़ा उनको नॉलेज कम होती है। इवन खेती बाड़ी आजकल तो एग्रीकल्चर में भी नॉलेज की बहुत ज़रूरत है कि कौन सी खाद डाले, कैसे उसकी नई नई टेक्निक्स आ गई हैं एग्रीकल्चर में, वो अगर किसान नहीं यूज़ करेंगे तो वो इतनी इनकम नहीं कर पाएंगे फिर एग्रीकल्चर से, इसलिए बोला किसानों की निर्क्षरता। आगे आते हैं, वैज्ञानिक कृषि का नगण्य ज्ञान, बिल्कुल सही बात है। विनिर्मित उत्पादों की तुलना में प्राथमिक उत्पादों का कम मूल्य, जो प्राथमिक उत्पाद होते हैं उनका मूल्य कम होता है, उससे फिर जो प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है उसका मूल्य ज़्यादा होता है। तो अगर देखा जाए जो
प्राथमिक माल है वो तो हमारे गांव किसानों से ही आते हैं, लेकिन उसका मूल्य बहुत कम है, और जो चीज़ बनकर जब तैयार होती है, जब शहर मतलब आती है मार्केट में, तो उसका मूल्य बहुत ज़्यादा होता है। यही भी एक रीज़न है कि गाँव के प्रतिक्रिया जो है वो कम है। उद्योगों की तुलना में कृषि की कम निवेश, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ग्रामीण आय जो है वो नगरीय आय से कम है। ठीक है, फिर से एक बार गिना देती हूँ क्या क्या वो कारण है। किसानों की निर्क्षरता, वैज्ञानिक कृषि का नगण्य ज्ञान, विनिर्मित उत्पादों की तुलना में प्राथमिक उत्पादों का कम मूल्य, तथा उद्योगों की तुलना में कृषि में कम निवेश। लोग कृषि में जो है एग्रीकल्चर में वो कम निवेश करते हैं, उद्योगों में ज़्यादा निवेश करते हैं। यही कारण है कि गाँव की जो प्रति व्यक्ति आय है, गाँव की जो आय है वो प्रायः जो होती है नगरीय आय से कम होती है। नेक्स्ट है, भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर धीमी है, इसका मुख्य कारण क्या है। भारत में फिर से देखिए, आप हो सकता है आपको कुछ लोग ये बोले कि चीज़ों का बार बार रिपीट कर रहे हो, पर हम आपसे ये बोलेंगे जो बहुत सीनियर लोग हैं, जिन्हें नॉलेज है, जिन्हें पता है, डेफिनेटली ये वीडियो उनके लिए नहीं है, उन्हें ऑलरेडी चीज़ें पता है, पर जो फ्रेशर्स लोग हैं या वो मेरे भाई बहन जो कोचिंग नहीं जा सकते हैं और वो काम करके जो या कहीं पर जॉब करते हुए वीडियो देखते हैं, तो इसलिए मैं बार बार चीज़ों को रिपीट करती हूँ ताकि उनको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर हम बहुत जल्दी जल्दी स्पीड में पढ़ जाएंगे तो ये उन लोगों के लिए दिक्कत होगा, जैसे कोई हमारी बहनें घर पर काम करते हुए किचन में काम करते हुए हो सकता है कि वीडियो देख रही हूँ, तो कभी कभी चीज़ें होती हैं, अब अगर हम जल्दी से पढ़ जाएंगे तो वो चीज़ें समझ नहीं पाएंगे, इसलिए बार बार रिपीट करने से उनके बिल्कुल एकदम मस्तिष्क में ये चीज़ें बैठ जाएंगी। तो देखिए फिर से ध्यान दीजिएगा, भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर धीमी है, मतलब पर कैपिटल इनकम इंग्लिश में बोले और हिंदी में प्रति व्यक्ति आय की जो वृद्धि है, जो इंक्रीमेंट है, वो बहुत धीमे है। इसका कारण क्या है और इसका मुख्य कारण है उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात, और दूसरा है जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर। ठीक है, दो कारण हैं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर धीमी होने के। पहला है उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात और दूसरा है जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय की निम्नता के कारणों में शामिल है। उत्तर प्रदेश, यहाँ पे यूपी की बात हो रही है और वीडियो का जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, ये इस क्वेश्चन को देखें, बिल्कुल बन सकता है। तो उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय की निम्नता, प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश में जो है निम्न, इसके क्या कारण है, जो कि लोगों के प्रति व्यक्ति आय जो है वो बहुत निम्न है, बहुत कम है, उसके कारण हमें बताने हैं। तो इसके कारण है, पहला, तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या, पहला कारण, साहसीपन का अभाव, दूसरा कारण, अपर्याप्त अधोसंरचनात्मक सुविधाएं, इतनी उनको जो है वो उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, आदि कारण है। तो फिर से रिपीट कर रही हूँ पूरा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय की निम्नता के कारण में क्या क्या शामिल है। पहला कारण है तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या, बहुत तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है, सबको पता है कि यूपी की जनसंख्या जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद में आपका साहसीपन का अभाव है, बिल्कुल सही बात है, लोग कोई नया काम करने के लिए साहस नहीं दिखाते हैं, जो ट्रेंडिंग चल रहा है लोग नॉर्मली वही करते हैं, उन्हें लगता है अगर हम कुछ नया करेंगे तो हमारे पैसे डूब जाएंगे या फिर लोग हमको बोलेंगे कि तुमने ये काम किया तुम सफल नहीं हुए, बहुत सारे रीज़न, तो वो साहसीपन का अभाव नहीं है। तथा दूसरा, अपर्याप्त अधोसंरचनात्मक सुविधाएँ भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अगस्त 2018 की मौद्रिक नीति के अनुसार 2018-19 में विकास दर संभावित है। आरबीआई जो है, जिसको हम, इसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, के अगस्त 2018 की मौद्रिक नीति के अनुसार 2018-19 की विकास दर संभावित है। यहाँ पे 2018-19 की विकास दर की बात कर रहे हैं, तो जो संभावित है वो है 7.4%। कितनी है? 7.4%। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक का करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और उसको याद कर लीजिएगा, इस वीडियो को बार बार देखिएगा, इससे पहले का भी जो वीडियो है पार्ट वन मेरा, वो आप देखिएगा, जाके प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, इकोनॉमिक्स करके फोल्डर है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो आरबीआई ने अभी बताई है हमारी 2018-19 की विकास दर, वो है 7.4%। नेक्स्ट आते हैं, एशियाई विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार वर्ष 2017 में भारत की समृद्धि दर क्या थी, वो थी 6.6%। यहाँ पे बात हो रही वर्ष 2017 की,
ठीक है। और लेकिन वो रिपोर्ट कब आई, 2018 की, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। एसीआई डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है 2018 में, आई है रिपोर्ट आई है, लेकिन उसने बात किसकी की, वर्ष 2017 की हुई है। और इसमें भारत की समृद्धि दर कितनी है वो है आपकी ध्यान रखें कि 6.6%। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाएं तो वास्तविक आय क्या रहेगी। वास्तविक आय जो है वो अपरिवर्तित रहेगी। ध्यान रखना कोई भी एक समय अवधि है, कोई भी आपने एक साल की ले ली जितनी, ठीक है, उस समय अवधि में आपने क्या किया, मौद्रिक आय और जो समय अवधि में जो कीमतें हैं दोनों को दोगुनी कर दी जाए, ठीक है, तो वो इसमें जो वास्तविक आय है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो कीवर्ड ध्यान रखिएगा किसकी बात कर रहा है, एक ही समय अवधि में, समय जो टाइम पीरियड वो वन है, एक ही है, एक साल का मान लीजिए कोई भी, उसमें कीमतें और मौद्रिक आय दोनों को दुगना कर दिया गया, लेकिन अगर वास्तविक आय की बात करें तो वो अपरिवर्तित है, मतलब चेंज नहीं होगी, ठीक। नेक्स्ट है, वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर के अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में ध्यान रखा जाता है किसका, मुद्रास्फीति की वृद्धि दर का। अब देखिए ये आजकल देखते हैं ना, क्वेश्चन बड़े थोड़े से डिफरेंट टाइप के होते हैं। आप मतलब जो ये नहीं कि वही पुराने घिसे पिटे क्वेश्चन चल रहे हैं, तो वो जो करंट की चीज़ों को लेकर के कोई स्टेटमेंट दे दिया, उससे आप में उससे आपको आपसे विचार पूछे, उसके चार ऑप्शन दे दिए कि क्या आपको लगता है कौन सा सही है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अभी देखिए, सबसे पहले दो चीज़ें यहाँ ने बात की, इन्होंने यहाँ पर बात की है, पहला करंट प्राइस की बात की है, ठीक है। तो करंट प्राइस पर अगर बात करें, जो प्रति व्यक्ति आय है उसकी जो वृद्धि दर ग्रोथ रेट जो है, स्थिर मूल्य होता है कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। अब आप जिनको नहीं पता उनको बता दें कि कांस्टेंट प्राइस क्या होता है और करंट प्राइस क्या होता है। देखिए कांस्टेंट प्राइस क्या है, मान लीजिए भारत सरकार को एक ईयर मान लेती है कि 2011-12 पे ले लिया उसने, ठीक है, उसने बोला कि 2011-12 के हिसाब से जो अगर मान लो गेहूँ का रेट है, किसी भी चीज़ का रेट है, उन्होंने माना कि ये 2011-12 जो है ये बेस ईयर है, आधार वर्ष है, इस पे जो करें जो प्राइस चल रहा है उसको हम कांस्टेंट प्राइस कहते हैं, कि वो है कांस्टेंट। मतलब आपने मान लिया कोई एक पेन मान लिया, उसकी कीमत जो है वो 10 रुपये है, 2011-12 वर्ष के अकॉर्डिंग वो 10 रुपये फिक्स्ड है कि भाई इतनी महंगाई चल रही है, 10 रुपये से तो नीचे नहीं जाएगा, 10 रुपये से ऊपर चले अलग बात है, तो वो होता है कांस्टेंट प्राइस। अब आप इस समय चल रहा है वर्ष 2017-18 का मान लो, ठीक है, तो अब इसमें क्या है, ये समय मान लो उस पेन का प्राइस है 17-18 रुपये, तो जो इस समय प्राइस है उसको बोलते हैं करंट प्राइस। इसी की यहाँ पे इन्होंने बात की है, करंट प्राइस, वर्तमान मूल्य। और जो जो 2011-12 का जो ईयर लिया गया है उस पे जो 10 रुपये एकदम फिक्स प्राइस है, क्योंकि जो उसकी लागत लगी, उसको बनाने में जो भी सामान खर्च हुआ, उस सारा पैसा लगा के, उसकी पैकिंग को लगा के जो मार्केट में लगा, तो इस भाई इतने रुपये तो 10 रुपये फिक्स है कि इससे नीचे रेट नहीं जा सकता। और ये एक साल है कि महंग, क्योंकि आपको पता है साल दर साल महंगाई भी बढ़ती है, तो 2011-12 जो एक ऐसा ईयर था जहाँ पे जो अगर अब की महंगाई की तुलना में करें तो वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए उसको बेस ईयर लिया गया। तो शायद होप्स हो कि आपको ये बात समझ आ गई हो, करंट प्राइस क्या होता है और कांस्टेंट प्राइस क्या होता है। करंट प्राइस जो अभी मान लो मार्केट में उस पेन की कीमत 17-18 रुपये है, लेकिन अगर हम 2011-12 के वर्ष की बात करें तो उस समय 10 रुपये सरकार ने जो है वो घोषित किए थे कि इसकी इतनी तो रहेगी ही महंगाई के हिसाब से, ठीक। तो अब अगर बात करते हैं तो इन्होंने बोला है कि स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में क्या ध्यान रखा क्या जाता है। अभी मैंने आपको ये बातों में ही आपको चीज़ें बता दी थी कि मुद्रास्फीति की वृद्धि दर को हम जो है वो ध्यान में रख करके जो है वो करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस को जो है वो देखा जाता है, और करंट प्राइस जो होता है वो हमेशा अपेक्षाकृत अधिक होता है, ठीक है। तो मुद्रास्फीति को क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन बोलेंगे, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है, 1867-68 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया किसने, वो है दादा भाई नौरोजी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 1867 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है वो 20 रुपये थी, ये बात किसने निश्चित की, ये निश्चित की थी दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है हमारा, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया दादा भाई नौरोजी ने, किसने किया, दादा भाई नौरोजी ने किया था भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन, ओके।
ठीक है, ये वैसे बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के निर्देश कौन थे, ध्यान रखिएगा, पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, भारत में राष्ट्रीय आय का समंकों का आकलन किया जाता है, वो सबको पता है, जो राष्ट्रीय आय को आका जाता है वो होता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CSO बोलते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा जो है राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े कौन एकत्रित करता है, फिर से बता रही हूँ, वो RBI करता है और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ओके, यहाँ पर मेरा वीडियो समाप्त होता है, आप वीडियो की तैयारी बहुत अच्छे से करें और इसके बाद में आगे इसी का ही जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि पहले जो करंट की अफेयर्स की चीज़ें वो इम्पॉर्टेंट है, मैं उसको पूरा करूँगी। ठीक है, आपके कोई सजेशन हो आप नीचे दे सकते हैं, अच्छे शब्द बोल करके अपने बात रख सकते हैं, जिससे पता चले कि हाँ आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। सजेशन ऑलवेज मैं उनको वेलकम करूँगी। ओके, थैंक यू, जय हिंद।